सभी ने बताया कि वो हमारी एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके गुजरात में आई, तो लोगों ने कई सालों तक सुना नफरत की राजनीति और वो थक गए और उसको हराने की शुरुआत की गुजरात ने कर दी है। अब चॉइस में एक सीट दी है, आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात में ही घेर जाएंगे और सारी सीटें अगर सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। तो मेरा कहने की बात यह है कि लोगों को इसके असलियत का पता चल गया है और आप चुके रहे वो नफरत वाली राजनीति जो कर रहे थे वो लोगों को समझ में आ गई है। आप एक ही बात रखो, डरो मत, डराओ मत, हम किसी से डरते नहीं, हम किसी को डराते नहीं है। ગેનીબેન ઠાકોર જ્યારથી સાંસદ બન્યા છે ત્યારથી અલગ અલગ આક્રમક નિવેદનો આપી રહ્યા છે અને એ આક્રમક નિવેદન પછી બનાસકાંઠામાં આપ્યું હોય કે દિલ્હીમાં આપ્યું હોય, દિલ્હીમાં પણ ઘણા બધા વિડીયો જે ત્યાં પહોંચ્યા એના પછી ઘણી બધી બાઇટ્સ ને બધું આપ્યું જેમાં સરકાર પર ખૂબ પ્રહારો કર્યા, સમજાવ્યું કે કઈ રીતના બનાસકાંઠાએ જીત્યા છે અને એમને હરાવવા માટેની કોશિશ થઈ છે। ફરી એકવાર દિલ્હીમાં કાર્યક્રમ હતો, યુથ કોંગ્રેસનો કાર્યક્રમ હતો અને એમાં ગેનીબેન ઠાકોર દિલ્હીમાં હિન્દીમાં સ્પીચ આપી રહ્યા હતા। હિન્દીમાં સ્પીચ આપતા એમને પીએમ મોદી પર જબરજસ્ત પ્રહારો કર્યા અને જ્યારે પીએમ મોદી પર પ્રહાર કરી રહ્યા હતા ત્યારે એમણે એવો દાવો કર્યો કે હવે ઇન્ડિયા ગઠબંધન કોંગ્રેસ એ ગુજરાત જીતી રહી છે અને નરેન્દ્ર મોદીને ઘરભેગા કરી રહી છે। સાથે જ એમને ગોધરાકાંડથી લઈને ગુજરાતની રાજનીતિ પર ઘણી બધી વાતો કરી। તો દિલ્હીમાં ગેનીબેન ઠાકોરે જે ભાષણ આપ્યું તે સાંભળો। जो स्टार्टिंग हुआ वो गोधरा कांड से हुआ। आज वही इंसान देश के प्राइम मिनिस्टर है और वही गुजरात में आके बोलते हैं कि लोगों कांग्रेस पार्टी अगर उसका पीएम बनेगी, उसकी सरकार बनेगी तो तुम्हारी भैंस चोरा के ले जाएगी। आपने सुना होगा, तो देश का प्रधानमंत्री भैंस चोराने की बात करते हैं। अल्पसंख्यक लोगों का जो सारी सुविधाएं है वो फैसिलिटी है वो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देगी, वो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। लेकिन उसका तो बोलने का तरीका आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री की जो लैंग्वेज है एक क्राइम वाले नहीं बोलते, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री बोल रहे। और अभी सभी देशवासियों को पता चल गया है और हमारे लीडर राहुल जी ने तय किया है कि डरो मत, सारे लोग राहुल जी के साथ जुटे और वो डर से बाहर निकले। जब लोगों डर से बाहर निकलेंगे तब आपने बताया, आपने तो बढ़ाया है लेकिन हमने तो देखा है। इसकी वजह से 30 सालों से गुजरात में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है क्योंकि वो लोगों में नफरत पैदा करेगी। वो डेवलपमेंट ही तो डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, युवा की रोजगार की बात हो, वो डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोलते। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंसा हिंसा। और जहां भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ गुजरात, उसके बीच वाला ही डिस्ट्रिक्ट देश का पीएम का डिस्ट्रिक्ट है, तो अब सारे देश में आपने सभी ने बताया कि वो हमारी एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके गुजरात में आई, तो लोगों ने कई सालों तक सुना नफरत की राजनीति और वो थक गए और उसको हराने की शुरुआत की गुजरात ने कर दी है। अब चॉइस में एक सीट दी है, आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात में ही घेर जाएंगे और सारी सीटें अगर सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। तो मेरा कहने की बात यह है कि लोगों को इसकी असलियत का पता चल गया है और आप चुके रहे वो नफरत वाली राजनीति जो कर रहे थे वो लोगों को समझ में आ गई है। आप एक ही बात रखो, डरो मत, डराओ मत, हम किसी से डरते नहीं, हम किसी को डराते नहीं है। और जो काम करते हैं ईसाइयत की वजह से करते हैं। हमारा जो एक संविधान है वो संविधान की वजह से हमारा देश चल रहा है।
या कोई एक धर्म से नाम से नहीं चल रहा है, और धर्म की बात बता रहे, हिंदू की बात बता रहे, तो गुजरात में सारे देश में ढंडोरा पीट कर बता रहे कि हमारा गुजरात मॉडल। तो आज भी गुजरात में एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो गुजरात से बाहर जा रहे हैं, क्यों? कि वहां अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हम संविधान के जो हम संविधान के रखे वाले हैं, और आने वाले दिनों में सभी एमपी ने भी हाथ में संविधान रखकर कसम खाई, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में संविधान लेके जाते हैं, तो हमें जो करना है वो संविधान के वजह से करना है, और डरो मत डराओ मत वो राजनीति करना है। मैम यहाँ पे 95% मुझे लगता है जो हम शक्ति हमारी मेंबर्स कोऑर्डिनेटर सब लोग हैं, हम लोग सब एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और हम सब एक साधारण परिवार से हैं, मेहनत करके बिजनेस करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब हम पहली बार अब हम नेक्स्ट सोचते हैं कि हम टिकट लेके हम लड़ने के लिए जाएंगे, तो आप जब गए होंगे या आप हमें ऐसे कौन से 3 या 4 पॉइंट बताइए जो हमें भी ध्यान में रखने चाहिए एक साधारण परिवार के, जैसे आप आए आगे ऐसे हम भी। आप कभी लोकल बॉडी का चुनाव लड़ी या नहीं लड़ी? नहीं मैम, हमने नहीं लड़ी जी। तो मैं तो पहले वही बताना चाहती हूँ कि पहले आप एमएलए का सोचती होगी, एमपी का सोचती होगी, लेकिन शुरुआत आप अगर लोकल बॉडी चुनाव से करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, और आपको समझ में आ जाएगी बात के चुनाव में जाने से पहले और चुनाव जीतने के बाद क्या करना है और आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। मैं डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती तो मुझे पता नहीं चलता, और जो लोगों ने मुझे चंदा दिया, मुझे जीरो ग्राउंड में फंडिंग किया, वो कई सालों तक 20 या 25 साल लोगों की मैंने सेवा की। मैंने बताया कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए मैंने हॉस्टल बनवाई, सामूहिक शादी करवाई, लोगों का प्रोटेक्शन का काम किया, तो वो काम हम लोकल बॉडी का चुनाव जीत जाते और आपका एरिया लोकल बॉडी में जो एरिया है छोटा होता है, आप छोटा एरिया में काम कर सकती हो तो बड़े में भी कर सकती हो, लेकिन आप हो सके तो मैं जो बात बताई लोकल बॉडी इससे स्टार्ट कीजिए, और हमारे जो सीनियर लीडर है उसका एक्सपीरियंस लेना होगा, और जो आपके एरिया में भी आपके पार्टी के सीनियर लोग होंगे उसका काम करने का जो तरीका है वो तरीका देकर आप भी आगे बढ़ सकते।